हे गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितने दिन बाद गाइस आप लोगों से मिलने आई हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ महीना हो गया है ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्यों व्यस्त थी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे, हाउ आर यू ऑल गाइस? बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ बातें नहीं किया, शेयर नहीं किया चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हो गई ऐसे, जैसे कि आप सबको पता ही है हमारा जो डॉगी है स्नोई वो तो चली गई, उसके बाद से मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, अभी इसको अभी जाना था, तो इसलिए आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करने आई हूँ आज। और आज के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, पक्का प्रॉमिस, मैं आज के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ऐसे बंद होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत हो गया, अब तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी। सो फिलहाल जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और जो दिखाना चाहती हूँ, चलिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस, दिस इज़ माय सोफा कम बेड जो कि शिशमूट का है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वुडन वर्क और वुडन फर्नीचर, तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली में शीशमवुड बहुत अच्छा मिलता है, सो हमने इसलिए लिया। और ये जो कलर है ये हमने कस्टमाइज़ करा है, पहले और एक कलर था वेलवेट का है, और देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है वुड और इसका ग्लेज फाइन फिनिश है, और साथ ही साथ ये देखिए ये डाइनिंग टेबल भी हम लोगों ने लिया है, ये भी शीशमवुड का है, और इसका जो टॉप है मैं दिखाती हूँ, सो दिस इज़ व्हाट दिस टेबल लुक्स लाइक। तो इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछाया है और जो डाइनिंग टेबल कवर है उसको उससे मैंने कवर किया है, वरना कपड़ा गंदा हो जाएगा। सो, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, आराम से हम लोग खाना खा सकते हैं यहाँ, और हमारा लिविंग रूम का जो डेकोरेशन है, लिविंग रूम का जो डिज़ाइन है मैंने थोड़ा सा बदल दिया इस बार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज़ द डिवाइडर, हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे पति नहीं मान रहे थे तो मैंने चुपके से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि यही सबसे ज़रूरत की चीज़ है, भगवान के लिए एक डिवाइडर तो चाहिए चाहिए। सो लेट मी शो यू गाइस, जहाँ से हमने लिया था ये फर्नीचर, ये वुडन स्ट्रीट है, वुडन स्ट्रीट कंपनी है जो कि फर्नीचर का ब्रांडेड कंपनी है, तो यही है वो शोरूम। और ये डिवाइडर देखिए, ऐसा लगता है कि मैं ही इसको लेके जाऊँ हमारे उधर फिक्स कर दूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है गाइस यहाँ पे, सोफ़ा और फर्नीचर मतलब एक से बढ़कर एक है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये डाइनिंग टेबल अच्छा लगा, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि एक साथ इतने सारे चीज़ें तो नहीं ले सकते, बट दिस डाइनिंग टेबल ना इज़ जस्ट ऑसम, और ये एक्सटेंडेबल है, और ये देखिए दिखा रही है कैसे इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, पूरा फैमिली एंड रिलेटिव्स भी बैठ के खाना खा सकते हैं, ये तो मेरे मतलब सपने में रह गया, देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी ले पाए तो ले लेंगे। तो गाइस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरी वुडन कलेक्शंस, मुझे तो बहुत पसंद आया है इसीलिए तो मैंने लिया है। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मैंने डेकोरेट किया है लिविंग रूम को, बहुत ही सिंपल, आगे मैं और भी कुछ करूँगी, और फ़िलहाल तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन रखने के लिए भी जगह दी गई है, ये बहुत ही कॉन्वीनियंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इसलिए तो परख के ही हम लोगों ने चूज़ किया है इस सोफ़ा कम बेड को। तो यही है वो सोफ़ा कम बेड जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा।
मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए तो ऑर्डर किया है। और बहुत हमारे लिए तो एक्सपेंसिव है ये चीज़। और ये जो कलर है, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है, पहले कुछ और कलर था। और मैं बहुत खुश हूँ। पहला जो हमारा जो काउच था ना, वो भैया का था, मतलब जो मकान मालिक है भैया का था, तो उन्होंने वो ले लिया, ये लेने के बाद वो ले लिया। और आगे भी बहुत आगे भी और कुछ चेयर्स बाकी है लेना, तो वो चेयर लेंगे। अभी फ़िलहाल ये स्टूल हमने ऑर्डर किया है, ये स्टूल स्टूल से काम चलाना पड़ेगा अभी। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास अभी डाइनिंग टेबल है। पहले तो नहीं था, कोई आने से खाना खाने का मतलब वो प्रॉब्लम हुआ करता था ना। सो अभी वो चीज़ उसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पे आराम से बैठ के हाँ सब मिलके खा सकते हैं खाना। और सबसे ज़्यादा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमने भगवान का जो पार्टीशन है ये हमने ऑर्डर किया, और ये लगाने के बाद अब मैं सुकून फील कर रही हूँ क्योंकि है ना, भगवान का पार्टीशन होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे खाते हैं विदाउट पार्टीशन के। मतलब ये सही नहीं है, ये गांव में भी अलग से मंदिर हुआ करता ही है, मतलब सबके घर अलग अलग मंदिर बना हुआ है गांव में, लेकिन यहाँ तो जैसे भाड़े घर है तो यहाँ नहीं हो पाता। तो इतने दिन मैं चाह रही थी कि एक पार्टीशन मिल जाए, मैं देख रही थी अमेज़ोन पे, फाइनली मुझे मिल गया और मैंने ये ऑर्डर किया। और मुझे आइडिया नहीं था कि दो पैनल वाला कितना बड़ा होगा, ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर किया। अगर अगर ज़रूरत हुई तो फ्यूचर में 3 पैनल वाला ले लेंगे। फ़िलहाल अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी हमारा जो लिविंग रूम है अभी थोड़ा सा सेटल हो गया है, पहले से बेटर हो गया है। पहले इतना वो ऑर्गेनाइज नहीं था, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। और गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। और अभी तो रुको, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है शेयर करनी, अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ शेयर करनी है। तो चलिए अब हमारा बालकनी कैसे दिखता है, लेट मी शो यू। ये देखिए कुछ ऐसे दिखता है रूखा सूखा। मेरे जो पौधे हैं अभी ज़्यादा हरा भरा नहीं है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, फूल तो एक भी नहीं है देखिए। और पत्ते बचे हुए हैं बट इतना हरा भरा नहीं है। हमारा जो बगीचा है फिलहाल ऐसे है, ओके। तो और दूसरा चीज़ जो है आप लोग को बतानी है वो है, दिखाती हूँ कौन आए हैं। टंटनान, तो ये रही मेरी जेठानी, बड़ी वाली जेठानी आई हुई है दीदी। तो अभी दीदी खाना बना रही है, आज तो हम बहुत टेस्टी खाना खाने वाले हैं क्योंकि दीदी टेस्टी खाना बनाती है। यहाँ बन रही है लौकी और उधर बन रही है इरोलपा हम लोगों का डिश, और ये जो दिख रहा है साग यही बनने वाला है। तो गाइस टेस्टी खाना खाने वाले आज। और इधर देखिए मेरे पति वॉकिंग करके आ रहे हैं, आज इनका ऑफ है सो टाइम पास कर रहे हैं बाहर। और अभी लंच भी कंप्लीट हो गया है, अभी सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं, तीनों भाई एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। आज बहुत दिन बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। सो तो गाइस जैसे कि वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं वहाँ पे नहीं खा सकती, सो दिस इज़ माय प्लेट। अब मैं यहाँ पे खाऊंगी अपने रूम पे आराम से बैठ के। सो मेरी रेसिपी में जो है क्या क्या है, लेट मी शो यू। हो गया चावल, साग फ्राई, लौकी सब्जी और ये पत्ते की बॉयल, और यहाँ पे भी बॉयल है दाल में सब्जी डाल के, और यहाँ बीट बॉयल।
अच्छा ले ओ दिले तो गाइस आज के ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ एंड आई होप आप सबको मेरी फर्नीचर कलेक्शंस अच्छा लगा होगा और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि मैं फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, इस बार कंटिन्यू करूँगी पक्का। तो गाइस आप मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।